तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो फिलहाल हमारे साथ है टोयोटा की रोमियो, जैसे कि आप अर्टिगा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है अर्टिगा का पूरा प्लेटफॉर्म शेयर करती है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी शेयर करती हैं, लेकिन इसमें मिलती है आपको टोयोटा की ब्रांडिंग। ये गाड़ी खड़ी है अभी टोयोटा के शोरूम पर, और साथ ही इस गाड़ी में आपको अर्टिगा से भी बढ़िया वारंटी मिल जाती है, और साथ ही कुछ फीचर्स इसमें अलग भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट डिज़ाइन मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कीज से, तो यहाँ पर देखें कुछ इस प्रकार से आपको इसमें स्मार्ट की मिलने वाली है। सेम जैसे आपको मारुति में की मिलती है वैसे ही की मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको लोगो टोयोटा का मिल जाएगा। लॉक अनलॉक के यहाँ पर आपको स्विच देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन से, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और साथ ही ये हाई बीम के लिए इसमें रिफ्लेक्टर मिलता है, और यहाँ पर मिलेंगे आपको इसमें हैलोजन बल्ब के साथ में इसके इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे आपको इसमें फॉग लैंप भी देखने को मिल जाती है। तो ये है अपने सामने इसका सेकंड वेरिएंट, जी वेरिएंट, जिसमें पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 13,37,000 आपको इसकी एक्सोन कीमत देखने को मिल जाती है। बाकी इससे ऊपर आपको इसमें एक वी वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है, और इससे नीचे जो आपके एस वेरिएंट आता है वो आप पेट्रोल और साथ ही सीएनजी दोनों में ले सकते हैं। जिसमें अगर आपके एस वेरिएंट के पेट्रोल की कीमत की बात करें तो वो आपको 12,05,000 एक्सोन में पड़ेगा, और साथ ही अगर आप उसमें बेस वेरिएंट में सीएनजी लेते हैं तो उसकी कीमत आपको 13,13,000 रुपये देखने को मिलेगी एक्सोन। बाकी ये इसका मिड वेरिएंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, जिसमें आपको फीचर्स लगभग सारे मिल जाते हैं टॉप मॉडल वाले ही। बाकी इसमें आपको सीएनजी देखने को नहीं मिलता है, बाकी अगर आप इसमें चाहें तो ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। बाकी आपको शोरूम की डिटेल मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इस गाड़ी की और भी डिटेल अगर चाहें या टोयोटा की किसी भी कार के बारे में जानकारी चाहते हैं तो शोरूम की डिटेल मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी ग्रिल मिल जाती है, बीच में मिलेगा आपको टोयोटा का लोगो, और यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से फ्रंट में आपको ये यहाँ पर स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल रही है। और बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से, तो कुछ इस प्रकार से रहने वाले इसके साइड प्रोफाइल, हालांकि अर्टिगा और इसके साइड प्रोफाइल सेम ही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज है इसमें वो है यहाँ पर अलॉय का, यहाँ पर कुछ अलग से यहाँ पर नए डिज़ाइन में आपको अलॉय मिलता है, बीच में टोयोटा का लोगो है। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलती है आपको इसमें 185/65/R15 के टायर साइज़, आगे इसमें डिस्क और साथ ही पीछे इसमें ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, ABS CVT वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, और ORM के ऊपर ही आपको इसमें इंडिकेटर मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको डोर के ऊपर ही, क्रोम डोर हैंडल मिल जाएंगे, और आपको देखेंगे तो A पिलर यहाँ पर बॉडी कलर है, बाकी B पिलर और C पिलर आपको इसमें ब्लैकआउट मिल जाता है। देखने में गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगती है, और साथ देखेंगे तो 7 सीटर यहाँ पर एंट्री लेवल सेगमेंट में 7 सीटर गाड़ी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन के साथ में आती है, और साथ ही कम बजट में अगर आपको एक 7 सीटर कार चाहिए तो आप जा सकते हैं इस टोयोटा की रोमियन की ओर, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, और साथ ही टोयोटा का भरोसा मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसमें आपको 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, जो कि मारुति से काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर रियर डिज़ाइन की बात करें कुछ इस प्रकार से आपको इसमें टेल लैंप मिलने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया से LED में टेल लैंप है, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ मिलेगा, और यहाँ पर इसमें रिवर्स लैंप मिल जाता है। पीछे आपको इसमें न्यू ड्राइव की ब्रांडिंग मिल जाती है, और GAS का वेरिएंट है, और पीछे आपको इसमें 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। नीचे मिलेंगे आपको इसमें रिफ्लेक्टर, मारुति में जो आपको माइल्ड हाइब्रिड मिलता है वही सेम सिस्टम यहाँ पर है, इसमें न्यू ड्राइव की ब्रांडिंग कर रखी है, और कुछ इस प्रकार से इसकी रियर प्रोफाइल रहने वाली है। पीछे आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा, और यहाँ पर पीछे विंडशील्ड के ऊपर इसमें डीफोगर मिल जाते हैं, वाइपर मिल जाते हैं, और वॉशर मिल जाता है, बाकी हाई स्टॉप लैंप इसमें ऊपर मिलेगा, और पीछे आपको रोमियन की इसमें ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी बात कर ले इसके बूट स्पेस की, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, और बात करें इसके बूट स्पेस की तो यहाँ पर आप इसमें अच्छा खासा सामान भी रख सकते हैं, और साथ ही इसमें आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। नीचे आपको इसमें थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाएगी, जिससे अगर आपके छोटा सामान है तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें स्पेस को मैनेज किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये टूल वगैरह यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर आपको इसमें टूल किट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल साइड में दे रखे हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इन सीटों को आप फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल पूरी की पूरी सीटें फ्लैट फोल्ड होती हैं, जिससे कि अगर आप इसमें पैसेंजर कम है और सामान ज़्यादा ले जाना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बड़ा इसमें स्पेस बन जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि इसमें आपको स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। 7 सीटर गाड़ी है, और यहाँ पर ऊपर आपको इसमें हैंडल भी मिल जाता है इसको बंद करने के लिए। अब चलते हैं गाड़ी के आगे की ओर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की, यहाँ पर देखेंगे आप इसमें आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। पेट्रोल में आती है गाड़ी, इंजन की भी आगे बात करेंगे,
रिक्वेस्ट सेंसर आपको डोर के ऊपर मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से काफ़ी बढ़िया सा आपको बेज कलर में डोर मिलता है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। और साथ इसके अंदर आपको वुडन की फिनिशिंग पे देखने को मिल जाती है। इनसाइड डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्रोम में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सारे पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं और साथ ही ड्राइवर साइड जो विंडो है ये आपके ऑटो अप डाउन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपके ये विंडो के लॉक अनलॉक के स्विच भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में फोल्डेबल ORM देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिलेगी, यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें बोटो होल्डर देखने को मिल जाता है। सीटिंग की बात करें कुछ इस प्रकार से आपको इसमें काफ़ी प्रीमियम सा इंटीरियर मिलने वाला है और साथ ही सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि मैनुअल एडजस्टमेंट है लेकिन यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है, ड्राइवर सीट, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए भी मैं इसे पूरा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ इतनी है ऊपर हो जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है आपको टोयोटा रोमियो का स्टीयरिंग व्हील। देखिए काफ़ी शानदार सा स्टीयरिंग व्हील है, बीच में टोयोटा का लोगो है। यहाँ पर आपको इसमें मीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं और क्रूज कंट्रोल आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बीच में MID मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। यह है इसका टेकोमीटर, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और 220 की यहाँ पर आपको मार्किंग मिल जाएगी। बाकी इसमें मिलता है आपको 7 इंच का टच स्क्रीन जिसमें कि आपको एंड्रॉइड ऑटो और साथ ही एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। डैशबोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसमें वुडन टेक्सचर देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर हजार लैम्प का स्विच है, ये मिलती है आपको इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पर रियर डिपोवर के कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है और साथ ही ये अपने फ्रंट डिपोवर कंट्रोल है। बाकी ये पूरा अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पर आपको बीच में स्क्रीन भी मिलती है जिसमें आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी एक और खास चीज़ इस गाड़ी की, यहाँ पर आप देखें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट तो है, साथ ही यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट है। और एक और चीज़ है ये जो आप देख रहे हो कप होल्डर, यहाँ पर आपको इसमें कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि आपकी गाड़ी यहाँ पर अगर आप इसमें कुछ ड्रिंक वगैरह यहाँ पर रखते हैं तो वो आपके बिल्कुल ठंडे रहने वाले हैं। ये मिल रहा है अपने 5 स्पीड का गियरबॉक्स, 1500 cc का आपको इसमें पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर मिल रहा है ये आपका इसमें ग्लव बॉक्स, काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है। सीटों की बात करें तो सीटें आपको इसमें काफ़ी कंफर्टेबल मिलने वाली हैं और साथ ही जो सारी सीटें हैं इनमें आपको सबके लिए एडजस्टेबल हेडरेस मिल जाते हैं जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बीच में आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट मिलता है और यहाँ पर आपको सॉफ्ट कुशन देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भी स्पेस मिल जाता है थोड़ा बहुत कॉइन वगैरह रखने के लिए। मैनुअल हैंड ब्रेक है, यहाँ पर आपको लेदर टच दे रखा है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। फैब्रिक सीटें हैं। नीचे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ABC पेडल तो मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें सेपरेट डेड पेडल देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया चीज़ कर रखी है कंपनी ने। और एयरबैग की बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं यहाँ पर फ्रंट में। और ऊपर बात करेंगे यहाँ पर सनशेड के ऊपर आपको टिकट होल्डर मिलता है और लाइट मिल जाती है, माइक मिल जाता है। यहाँ पर डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ में आपको IRM देखने को मिलेगा और इस साइड में आपको सनसेट के ऊपर वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये आपको वेंट देखने को मिल जाते हैं जो कि जो यहाँ पर AC चलती है, अगर केबिन का भी बड़ा है तो उसके लिए यहाँ पर ये जो वेंट है ये यहाँ पर ठंडी हवा को यहाँ से खींचते हैं और पीछे वाले पैसेंजर के लिए उधर ले जाते हैं जिससे कि है जो पीछे केबिन वो भी ठंडा हो जाए। यहाँ पर मिल रहा है आपको पुश बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, ट्रैक्शन कंट्रोल का है और साथ ही ये अपने हेडलैम्प लेवलिंग का है। यहाँ पर मिलेंगे आपको वाइपर के कंट्रोल, रियर वाइपर, फ्रंट वाइपर, सारे कुछ यहाँ पर कंट्रोल मिलेंगे। ये मिल रहा है आपको हेडलैम्प के कंट्रोल और साथ ही यहाँ पर आपको फॉग लाइट का कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। ये ऑटो हेडलैम्प नहीं है, नॉर्मली है। चलते हैं इसकी सेकेंड रो की ओर। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको मिलता है रियर डोर, यहाँ पर मिलेगा आपको पावर विंडो कंट्रोल। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर भी आपको क्रोम में दिया गया है, बोटल होल्डर यहाँ पर मिलेगा और साथ यहाँ पर आपको इसमें और साथ ही इस गाड़ी में जो आपको डोर मिलते हैं ये काफ़ी वाइड ओपनिंग के साथ में मिलते हैं जिससे कि आपको इसके अंदर बैठने और उतरने में काफ़ी सुविधा रहने वाली है। यहाँ पर ये जो सीटें हैं यहाँ पर देख रहे हो ये आगे पीछे भी हो जाती है जिससे कि आपको पीछे अगर स्पेस ज़्यादा चाहिए तो ये थोड़ी आगे स्लाइड भी हो जाती है। बाकी इन सीटों को पीछे वाली को खड़ी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसमें सीटिंग अरेंजमेंट मिलने वाला है, हालांकि इन सीटों को आप और भी पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इतना ये सीटें पीछे हो जाती है और जैसे आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो यहाँ पर जो ये सीटें हैं ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगने वाली हैं, काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पर आपको इसमें कुशन देखने को मिलेगा।
और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें बीच में आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर रियर में आपको मिल रहा है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। बाकी नीचे आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा और ऊपर जो आपको ये वेंट दिख रहे हैं ये आगे से यहाँ पर हवा को लेकर या पीछे पैसेंजर के लिए छोड़ते हैं, जैसे कि जो पीछे का केबिन भी है, पीछे केबिन यहाँ पर थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको डोर हैंडल वगैरह देखने को मिल जाते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में अभी प्रीमियम से। और यहाँ पर ये जो हम्प है ये थोड़ा सा नीचे है, बाकी यहाँ पर रूफ काफ़ी अच्छी खासी ऊपर दे रही है, जैसे कि आपको हेडरूम काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको रूफ लैंप मिल रही है और ये जो सीट है ये टंबल फोल्ड होती है, जिससे कि पीछे जाया जाता है पीछे वाली सीट पर। चलिए पीछे चल के आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ सिस्टम है। यहाँ पर इस गाड़ी में इंटर होना और आउट होना काफ़ी सरल है, जल्दी आप इसमें अंदर बाहर निकल सकते हैं क्योंकि डोर की ओपनिंग काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है, देख रहे हो। और यहाँ पर ये सीटें कुछ इतनी सी रिक्लाइन हो जाती हैं। जैसे इसके अंदर जाता हूँ मैं तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल थर्ड रो के अंदर बैठा हूँ मैं अभी गाड़ी की, तो यहाँ पर पीछे अक्सर बच्चे ही बैठ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एडल्ट इतने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ताकि इस सीट को यहाँ पर आप देख रहे हो इतना इस सीट को पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं यहाँ पर स्विच की सहायता से, ये देखो इतनी ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है। जैसे कंफर्ट तो आपको इसमें पीछे वाली में सीटों में भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा पीछे नहीं बैठ पाओगे। बाकी यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है बिल्कुल थर्ड रो में भी। क्वार्टर ग्लास का एरिया भी काफ़ी अच्छा खासा है, जिससे कि आपको केबिन बिल्कुल एयरी फील होने वाला है। यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है और उस साइड में भी आपको मिल रहा है। बाकी चलता भी इस गाड़ी के आगे, यहाँ पर देखिए ये जो लीवर देर का है इससे ये आपकी सीटें आगे हो जाती हैं और इससे आप इस गाड़ी के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। अब इस सीट को पीछे कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए इन सीटों में काफ़ी खास चीज़ है कि ये रिक्लाइन हो जाती है काफ़ी अच्छी खासी, जिससे कि आपको इसमें कंफर्ट काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। बाकी ये कुछ चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पर, ये जो है कुछ इस प्रकार से इसका पूरा डैशबोर्ड रहने वाला है जी वेरिएंट का। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें मिलता है आपको 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि मारुति वाला ही है। ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको ये इसका 1500 सीसी वाला पेट्रोल इंजन, फोर सिलेंडर इंजन है, 102 bhp की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसमें और 5 स्पीड का इसमें मैनुअल गियरबॉक्स आता है और साथ ही अगर आप चाहे तो इसमें ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। ऊपर हुड में आपको काफ़ी अच्छी खासी इंसुलेशन भी देखने को मिल जाती है, काफ़ी साइलेंट इंजन है जिसमें आपको केबिन के अंदर बिल्कुल नॉइज नहीं आती इसकी। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका इंजन में देखने को मिलता है। बाकी ये कुछ आज की वीडियो में टोयोटा की रोमियो के जी मिड वेरिएंट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी शोरूम की डिटेल आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टोयोटा की किसी भी कार के बारे में।